दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी बेंजीन में ग्रुप लगा हो और उस ग्रुप में कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल हो, जब भी उस ग्रुप में आता है तो उस इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का किस तरह से ओरिएंटेशन होता है, उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक भी है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स, या कह सकते हैं ओरिएंटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ग्रुप, ग्रुप मीन्स दैट इनकमिंग ग्रुप्स। तो ओरिएंटेशन इन्फ्लुएंस ग्रुप्स, जो हमारे पास ग्रुप्स है वो उसमें दो तरह के ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। इस ग्रुप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जिसका दूसरा नाम भी एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग्स को एक्टिवेट कर देता है। दूसरे ग्रुप का नाम है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का मतलब क्या है कि ये बेंजीन ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन्स दे डोनेट इलेक्ट्रॉन इन टू द रिंग, तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन करता है या उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। इसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग्स फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन। और जैसे बेंजीन जो रिंग है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो उस बेंजीन रिंग में उसकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन होती है। ये जो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन डोनेशन से होती है, ये दो प्रकार से होती है, दोनों तीन प्रकार से होती है। एक प्रकार का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और तीसरा रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, अगर ग्रुप हमारा अल्काइल ग्रुप्स हो तो इंडक्टिव इफेक्ट लाता है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट आपका अल्काइल ग्रुप्स की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है, मीन्स बेंजीन रिंग को ये दोनों इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेशन होते हैं। और तीसरा हमारा है रेजोनेंस। रेजोनेंस में अगर कोई ग्रुप में कि जो ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या फिर लोन पेयर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और ऐसे ग्रुप को हम करते हैं ऑर्थो एंड मेटा, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन डोनेशन काम की वजह से वो ग्रुप ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिक ग्रुप कहलाता है, और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हो या इलेक्ट्रोफाइल कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, ये ऑर्थो पारा जो पोजिशंस है बेंजीन की वहाँ पर डायरेक्टेड हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास में दूसरा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जिसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। बेंजीन को रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट का क्या मतलब है, डीएक्टिवेट का मतलब है कि इट विल विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेगा। और जैसे ही रिंग से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे उस रिंग को हम कहते हैं डीएक्टिवेट, ये बेंजीन डीएक्टिवेट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। एंड ऑल्सो डिक्रीज द रिएक्टिविटी, और इसकी जो इलेक्ट्रोएनर्जेटिक सब्स्टिट्यूशन की जो इसके रिएक्टिविटी है वो इसकी घट जाएगी। सो ऑल्सो डिक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉल होता है वो दो वजह से होती है, एक वजह का नाम इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब माइनस आई इफेक्ट होता है, जैसे कोई हेलोजन ला देंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगते हैं, माइनस आई इफेक्ट लगते हैं। या फिर कोई ग्रुप जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की कमी होगी, या कमी होगी तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, सो कोई पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, तो जैसे प्लस एन आर थ्री है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेगा, रिंग की डेंसिटी कम हो जाएगी और वो रिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा। सी एक्स थ्री जैसे सी एस सी एल सी सी एल थ्री कर देंगे, सी एफ थ्री कर देंगे, तो ये इन सभी वजहों से इंडक्टिव इफेक्ट होता है। फिर एक और है हमारे पास रेजोनेंस। रेजोनेंस में जैसे हो गया एनओ टू हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, सीएन ग्रुप हो गया, सीएचओ ग्रुप हो गया, ये सभी भी रेजोनेंस की वजह से रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। तो ये किस तरह से डीएक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले इसके अब पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास में दो ग्रुप होते हैं, आपने बता दें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दूसरा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जिसे हम मेटा डायरेक्टर्स कहते हैं। इसमें तीन तरह के, इसमें चार तरह कैटेगरीज है, एक है वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, और एक होता है वीकली डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वीक है, लेकिन ये भी हमारा ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टर्स है, कैसे हम लोग देखेंगे इस चीज को। सिमिलरली फॉर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में भी वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं और एक मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, इसको मैंने गलती से लिख दिया, ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। जो स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी ग्रुप्स हैं उस पर आप देख सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, वो माइनस चार्ज हो गया, प्लस चार्ज बहुत ज्यादा है और माइनस कम है। ऑक्सीजन वैसे माइनस आई का काम करता है, लेकिन हियर
प्लस चार्ज बहुत ज्यादा होने से इसके प्लस चार्ज, ये प्लस आर इज मोर डोमिनेंट ओवर द माइनस आई, तो माइनस आई में प्लस आर की डोमिनेंसी ज्यादा है, अधिक है, अधिकता होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है। यहाँ पर प्लस एन आर टू हो गया, प्लस एन एच आर हो गया, ओ एच हो गया। सिमिलरली मॉडरेटली ग्रुप में देखेंगे तो ओ आर है, एन एच सी ओ आर है, ओ सी ओ आर है। सिमिलरली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव ग्रुप देखेंगे तो ये प्लस एन आर थ्री ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद एक आर कम हो जाएगा, एन आर टू हो जाएगा, एन एच थ्री प्लस हो गया, एन ओ टू हो गया, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, सी एन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एस ओ थ्री, तो इनकी वजह से तो रिंग की डिएक्टिवेशन बहुत भयानक रूप से कम हो जाएगी। मॉडरेटली डिएक्टिविटी ग्रुप में आपको सी एच हो गया सबसे आपका कहेंगे स्ट्रांग है, उसके बाद सी ओ आर है, फिर सी ओ एच है, फिर सी ओ एक्स है, तो ये का डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एसिड एसिड हैलाइड एस्टर है, एस्टर एनहाइड है, और ये अमाइड्स है, तो ये सब मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आप है, ये आपको याद रखने होंगे। सिमिलरली वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आर है, आर में आप ले सकते हो सी एच थ्री सी एच टू, इसका इंडक्टिव इफेक्ट सी एच थ्री से ज़्यादा होता है। फिर अराइल ग्रुप है सी एच सी एच टू, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इसकी एक्टिवेटिंग कम हो जाती है। और वीकली डीएक्टिव ग्रुप्स में एक्सेप्शन में से फ्लोरीन क्लोरीन बी आर है, ये डीएक्टिवेटिंग है, ये एक्टिवेट नहीं करते हैं। क्यों डीएक्टिवेट करते हैं? क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट होता है, इसके वजह से डीएक्टिवेटिंग होती है। और क्यों एक्टिवेट करते हैं ऑर्थोपार डायरेक्शन में? क्योंकि इसमें प्लस आर इफेक्ट अगेन वो डोमिनेंट होता है, लोन पेयर जो फ्लोरिन पे हैं, क्लोरिन पे हैं, ब्रोमिन पे हैं, ये रिंग को देते हैं, इसकी वजह से आपसे प्लस आर आता है और उसमें माइनस आई भी आता है, तो माइनस आई की वजह से इसमें स्ट्रांग होता है और इसको डीएक्टिवेशन करते हैं, लेकिन ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। सो वी कैन से दैट ऑल ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन को छोड़ के या ग्रुप फोर मतलब ये फोर्थ वाले ग्रुप को छोड़ के दे आर द एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, बाकी सब एक्टिवेटिंग है। एंड ऑल दीज सब्सिट्यूएंट्स व्हिच आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बेंजीन से काफी रिएक्टिव, तो बेंजीन को हम स्टैंडर्ड मानते हैं एंड दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सिमिलरली मेटा ग्रुप में क्या होता है कि ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये डी एक्टिविटी ग्रुप्स होते हैं। और ऑल दोज सब्सिट्यूएंट व्हिच आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, जो बेंजीन से बेंजीन को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, ये बेंजीन से लेस रिएक्टिव होते हैं और डी एक्टिविटी होते हैं। तो बेंजीन से में ये ग्रुप अटैच करने के बाद में ये बेंजीन से ज्यादा, अगर ये अटैच हो जाएंगे तो बेंजीन से लेस रिएक्टिव होंगे और ये अटैच हो जाएंगे तो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, इस तरह से ये काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर बेंजीन पे सब्सटीट्यूटेड ग्रुप लगा हो तब क्या होता है, रिएक्शन ऑफ सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो इस केस में क्या हुआ कि वेन सब्सटीट्यूटेड बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट, जब उसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो ग्रुप ऑन रिंग, जो रिंग पर जो ग्रुप है, दिस इट विल अफेक्ट बोथ रेट ऑफ रिएक्शन एंड साइट ऑफ अटैक, रिएक्शन के रेट को और साइट अटैक के जहाँ पर इसकी अटैक हो रही है उसके साइट को, दोनों को वो अफेक्ट करता है। वी कैन से दैट सब्सटीट्यूएंट सब्सटीट्यूएंट ग्रुप अफेक्ट बोथ रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, मतलब कह सकते हैं जो सब्सटीट्यूएंट है वो रिएक्टिविटी प्लस ओरिएंटेशन दोनों को अफेक्ट करता है। तो जो हमारा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोमिनेटेड ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें इसकी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण इसकी रेट जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन की वो बढ़ जाती है बेंजीन से, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की इसकी घट जाती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का विथड्रॉल होता है। अब क्वेश्चन की व्हाट मेक्स द सब्सटीट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग से बेंजीन रिंग में सब्सटीट्यूएंट व्हाट मेक्स द सब्सटीट्यूएंट किस तरह से ये बिहेव करता है, तो हम लोग जानते हैं ये बिहेव दो वजह से होता है, कि इंडक्टिव इफेक्ट से और रेजोनेंस इफेक्ट से। तो इसका हमने पीछे दिया हुआ है, अब उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसे हो जाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, एटम्स विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन इंक्लूडिंग नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड हेलोजन्स ऑल पुल इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द कार्बन, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, हेलोजन, ये सभी के सभी कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं और इनकी वजह से माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे एग्जाम्पल दे दिए, इस बेंजीन रिंग में अगर हम ये प्लस एन एच थ्री है तो प्लस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा।
सभी फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर देन कार्बन, ये भी इलेक्ट्रॉन को रिंग को क्या करेगा आपको, इसके इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, लेकिन इस केस में लोन पेयर फ्लोरीन पर होने की वजह से ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिव हो जाता है, बट इसमें माइनस आई इफेक्ट काम करता है। अगर इस कार्बन पर 3 Cl है तो यहाँ पर भी आपका माइनस आई इफेक्ट होता है। सो वी कैन से द पोलराइजेबल अल्काइल ग्रुप। अब दूसरा क्या है कि अगर कोई अल्काइल ग्रुप है ये पोलराइज करता है, अब पोलराइज होने के बाद में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ाता है रिंग के अंदर, तो ये प्लस आई इफेक्ट का काम करता है। जैसे CH3 हो गया, CH3 में हाइपर कंजुगेशन या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में देने का काम करता है। तो एक तो हो गया हाइपर कंजुगेशन, दूसरा हो गया आई इफेक्ट, दोनों की वजह से ये इसमें आप देखेंगे 3 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर एक ही हाइपर कंजुगेशन है, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल ग्रुप देगा, न कि आपका ये ग्रुप देगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप देगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट से आपका दोनों प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेशन का नजरिया जो इंडक्टिव इफेक्ट से दिखता है। दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट से कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होता है उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व वेन एवर एन एटम हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से कोई भी एटम जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वह जुड़ा हुआ उस एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई देता है, जैसे हमने पीछे में फ्लोरीन केस में देखा था। एग्जाम्पल के तौर पर NH2 हो गया, इसमें भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर है, OR इसमें 2 लोन पेयर, Cl हो गया, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करते हैं और इसमें प्लस आर इफेक्ट होता है। जैसे कि हमारा एनिलीन हो गया, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो फिर क्या होगा इसमें से, इसमें आपका कॉन्जुगेशन होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सभी जगह ऑक्टेट रूल का फॉलो हो रहा है, ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, सभी कार्बन के पास में ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे पाई हो गया तो ये जो डबल बॉन्ड है ये आपको किसमें हो जाएगा, ये चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर फिर से आपका ये जो पाई है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड में, फिर ये आपको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर से ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में, अब इस तरह से हो जाएगा, और उसके बाद फिर से क्या होगा, ये फिर से आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर वापस लोन पेयर में कन्वर्ट होकर ये वापस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इसके रेजोनेंस की फेनोमेना होती है। अगर इस सब्सिट्यूएंट में हम NH2 की जगह अगर हम CN लगा दें, NO2 लगा दें, CHO लगा दें, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये माइनस आई आर इफेक्ट देते हैं, ये से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन हो रहा है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉल हो रहा है, कैसे हो रहा है इसके लिए मैंने यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिया है। यह CHO ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप में आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा या माइनस चार्ज आएगा, तो डेफिनेटली जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उसके बाद फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर फिर फोर्थ कार्बन पर, फिर ये सिक्स कार्बन पर यहाँ पर डेवलप होगा, और इसकी वजह से हमारे पास में 3 जगह पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट होती है और फाइनली यू विल गेट द दिस प्रोडक्ट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉल से हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज पे रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेशन से रिंग पर नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट होती है। तो ये हमने अभी देखा प्लस आर का और माइनस आई आर का इफेक्ट। तो कुछ बातें आपको ध्यान देनी बात है कि वेन ए न्यूट्रल ऑक्सीजन, कोई भी न्यूट्रल ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, एंड इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में इनका डायरेक्टली अटैचमेंट होता है, डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, देन रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट्स एंड नेट इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ये आपको याद रखना। दूसरी पॉइंट क्या है कि वेन हेलोजन, चाहे HCl, BR हो, फ्लोरिन हो, आयोडीन हो, एंड दैट इज बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग, द इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स, वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होगा, नॉट इफेक्टेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इफेक्ट नहीं होगा लेकिन वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ही डोमिनेट होगा, ये आपको याद रखना है। जैसे यहां पर फ्लोरिन लगा दिया तो माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट होता है लेकिन ये ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप से, क्योंकि लोन पेयर्स रिंग को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, लेकिन यहां पर इफेक्ट हमारा माइनस आई होगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी होगी। कुछ और पॉइंट है, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस से जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है एंड विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट से रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करता है, बट रेजोनेंस इज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हमने हेलोजन में देखा था। अब हम लेते हैं नेक्स्ट मॉडरेटली एक्टिवेटिंग सब्सिट्यूएंट, जैसे OR हो गया, NHCOR हो गया, ये सब मॉडरेटली एक्टिवेटिंग सब्सिट्यूएंट है, ये पीछे में हमने टेबल में दिखा रखा है।
दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन टू द रिंग बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं बट लेस इफेक्टिवली, उनका जो डोनेशन होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है देन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जो एक्टिवेटिंग सब्सिट्यूएंट्स है इसके कंपेरिजन में जो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग सब्सिट्यूएंट है जैसे OR हो गया, ये लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट टू द रिंग्स एंड दिस सब्सिट्यूएंट्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस बाय टू कॉम्पीटिंग डायरेक्शन, क्योंकि इसमें दो कम्पीटिंग डायरेक्शन होता है, एक रिंग में होता है और एक रिंग से अवे होता है। ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेशन और रिंग से अवे इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैसे होता है ये हम लोग इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, अब इसमें देखेंगे NHCOCH तो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग सब्सिट्यूएंट है। अब नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को जो डायरेक्शन होगा एक इधर इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर CH3CO ग्रुप है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी इसके पोलराइज होने की वजह से, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन को भी देना चाहेगा, तो डेफिनेटली जो इसका डोनेशन रिंग की तरफ है वो घट जाएगा। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन थोड़ा कन्फ्यूज है कि इलेक्ट्रॉन हम इस रिंग को दें या इस कार्बन को दें, तो क्रॉस कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन में जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए इसको हम मॉडरेटली एक्टिवेटिंग सब्सिट्यूएंट कहते हैं। सिमिलरली आप यहां देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ पर तो यहाँ भी इसके पास लोन पेयर है, तो इस कार्बन में पोलराइजेशन होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इसको भी देना चाहेगा और इसको देना चाहेगा, तो इसे कहते हैं इनटू द रिंग और अवे फ्रॉम द रिंग। तो यहाँ पर दो तरह की स्थितियाँ बन जाएगी, तो ये भी हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन अब यहाँ देखिए अगर हम SO और OH कर दें तो इस जो लोन पेयर है ऑक्सीजन तो इसको विदड्रॉ करेगा, तो इसके इसमें सिर्फ विदड्रॉल हो रहा है तो ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, तो इसको हम लोग मॉडरेटली एक्टिवेटिंग सब्सिट्यूएंट नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे हम लोग उसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे क्योंकि रिंग को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे जैसे कि ये अल्काइल ग्रुप्स आर वीकली एक्टिवेटेड, अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं ये इसको एक्टिवेटिंग सब्सिट्यूएंट कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग को देते हैं लेकिन लेस देन द मॉडरेटली एक्टिवेटिंग सब्सिट्यूएंट्स एज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग्स बाय हाइब्रिड कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, और ये रिंग को हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि टॉलबिन हो गया, टॉलबिन में तीन हाइड्रोजन हो गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट से रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। अब इस रिंग में अगर हम डाल देंगे अराइल ग्रुप तो अराइल ग्रुप डालने से क्या होगा कि ये रिंग को लिटिल डिस्टेबलाइज करेगा, कैसे कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये बन जाएगा आपको नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अटैच हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो पूरी की पूरी जो रिंग है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन तो देता ही लेकिन इसकी वजह से रिंग को डिस्टेबलाइज करता है। सिमिलरली अगर हम लोन पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से भी रिंग में भी डीएक्टिवेशन आता है, तो दीज आर द कंपाउंड्स से वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देते हैं, ये दीज आर कॉल्ड एज द वीकली एक्टिवेटिंग सब्सिट्यूएंट्स, अराइल एंड दिस ग्रुप्स आर वीकली एक्टिव सब्सिट्यूएंट एज दे गेट डिस्टेबलाइज आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन देने के बाद में खुद ही रिंग को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। हेलोजन्स आर वीकली एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग सब्सिट्यूएंट्स एज दे विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग इंडक्टिवली, ये हमने बता चुका हूँ कि ये हेलोजन्स भी होते हैं वीकली डीएक्टिव सब्सिट्यूएंट्स, इनका जो माइनस आई इफेक्ट है दैट इज डोमिनेंस ओवर रेजोनेंस, यहाँ पर इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो रेजोनेंस पर डोमिनेट करता है, तो ये आपको याद रखना होगा। फिर है आपका मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग सब्सिट्यूएंट्स ऑल हैव कार्बोनिल ग्रुप, जितने भी मॉडरेटली डीएक्टिव ग्रुप्स है जिसके पास भी कार्बोनिल ग्रुप्स है दे आर डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग्स और ये बेंजीन रिंग्स को डीएक्टिवेट करते हैं, जैसे CHO हो गया कार्बोनिल ग्रुप है ये भी रिंग को आपको डीएक्टिवेट करेगा, कैसे करेगा ऑक्सीजन या पोलराइज होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी कार्बन से रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन ले लेगा। सिमिलरली COOH है तो ये ऑक्सीजन पोलराइज होगा ये कार्बन क्या करेगा इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा और रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर NO2 है यहाँ पर दो दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन में तो दो जगह पोलराइजेशन होगा और पोलराइजेशन होने की वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सिमिलरली ON है तो ये भी आपको नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा आपका तो यहाँ भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन रिंग से लेने की कोशिश करेगा रिंग को डीएक्टिवेट करेगा और इस नाइट्रोजन पर तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो और भी खतरनाक हो गया तो इस पर ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो ये तो और भी फास्टली से इस रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। तो ये आपका दी आर द मॉडरेटली डीएक्टिव सब्सिट्यूएंट्स ऑफ द ऑल व्हिच हैव कार्बोनिल ग्रुप्स विल डीएक्टिवेट द रिंग। लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स इन विच विल सी द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शंस। ये सारे एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन में रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है।
ये एनिलीन है, एनिलीन प्लस लोन पेयर से प्लस आई आर इफेक्ट होगा, तो ये सबसे इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएगा। ओ सी ओ सी एस थ्री ये आपका मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएगा। सी एस थ्री इससे कम करेगा, बेंजीन तो स्टैंडर्ड है, सी एल विदड्रॉ करेगा, सी एच ओ भी विदड्रॉ करेगा, ये तो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा आपका ई एस इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। यहाँ तो आप देखिए यहाँ माइनस आई हो रहा है, यहाँ माइनस आर हो रहा है, यहाँ माइनस आर हो रहा है, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है, प्लस एच भी है, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको प्लस आर, यहाँ पर प्लस आर बहुत ही स्ट्रांगली है। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपका प्लस आर है, ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा, यहाँ पर आपका माइनस आर होगा, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो अगर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज़्यादा होगा, इसमें ई एस में इसका रेट ऑफ जो ई एस रिएक्शन होगा वो सबसे कम होगा। मोस्ट डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखेंगे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द ई एस, इस केस में एग्जाम्पल देखेंगे तो दिस कार्बन्स में आपका लोन पेयर है, तो ये इसलिए रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोलराइजेशन करने वाला नहीं है। अगर यही जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन हो जाएगा, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो घट जाएगी, दिस विल बी मोर रिएक्टिव। एंड उसके बाद ये हमारा हो गया, फिर ये हो जाएगा हमारा, तो इसमें केस में देखेंगे तो इस कार्बन पे ऑक्सीजन है, तो इसमें भी इसकी सबसे कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ईएसी सबसे ज़्यादा इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, ठीक है। एमोंग दिस इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ईएस, अब ईएस में इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे कम रिएक्टिव कौन से, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको एनिलीन, इसमें तो प्लस आर इफेक्ट होगा, इसमें भी प्लस आर होगा, इसमें सी ओ एन एस टू, इसमें क्रॉस कंजुगेशन, ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा हमारा, और सी एन तो सबसे ज्यादा होगा, और फिर आई होगा, ये हो गया आपका फिर। तो सबसे देखेंगे ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा तो सेकेंड वाला ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद फर्स्ट वाला होगा, ये ओ एच होगा है कि नहीं, और उसके बाद सी ओ एन एस टू में देखेंगे तो ये तो हमारा डीएक्टिवेटिंग होगा, तो सबसे उसके बाद हमारा हो जाएगा नेक्स्ट, हमारा हो जाएगा हेलोजन्स, ये वीकली डीएक्टिव ग्रुप है, उसके बाद फिर सी ओ एन एस टू हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड ग्रुप, और उसके बाद लास्ट में फोर्थ वन हो जाएगा। तो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग इज योर सी एन ग्रुप। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सी एस थ्री है, इसमें दो इंडक्टिव पैक या हाइपर कंजक्शन काम कर सकता है, यहाँ पर हाइपर कंजक्शन सबसे कम है, तो अगर देखेंगे तो रिएक्टिविटी तो वन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद दो होगा, उसके बाद फिर तीन होगा, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन है, इसमें तो एक भी नहीं है, तो सबसे लोएस्ट डीएक्टिविटिंग ग्रुप जो हमारा होगा वो इस कंपाउंड का होगा, और सबसे ज़्यादा एक्टिविटिंग ग्रुप होगा इलेक्ट्रोमेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, वो ये टॉलबिन होगा। तो दिस विल बी मोस्ट रिएक्टिव, दिस विल बी योर लिस्ट रिएक्टिव। तो ये जो हमारा जो रिएक्शंस हुआ, ये थ्योरी में यही समाप्त करता हूँ, आगे हम बताऊंगे इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल डिस्कस लाइक हाउ दिस ग्रुप विल अफेक्ट द अदर इनकमिंग ग्रुप्स इन देयर ओरिएंटेशन लाइक ऑर्थो पारा एंड मेटा पोजिशंस। टिल नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।